हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मक्खी चूस गीदड़। एक गीदड़ जंगल में रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। इधर हम पैसों रुपये वाली कंजूसी की बात ना करके पेट वाली कंजूसी की बात कर रहे हैं। जैसे अन्य जानवर अपने शिकार को 2 दिन तक चलाते थे, पर वह गीदड़ अपने शिकार को 7 दिनों तक चलाता था। जैसे एक बार उसने एक खरगोश का शिकार किया, तो उसने पहले दिन उसका पहला कान खाया और अगले दिन दूसरा खाया। वैसे ही वह करते गया, तब तक मांस उस खरगोश का सड़ गया। फिर बहुत दिनों बाद उसे एक बारहसिंघा एक गुफा में मिला, तो उसने सोचा कि मैं इसे तो 1 महीने तक चलाऊंगा। तो वह उस सिंह को कम से कम 10 दिनों तक चबाता रहा, तब तक बारहसिंघा का मांस सड़ गया। फिर एक बार एक शिकारी आया शिकार करने, तब उसने एक सुअर पे तीर साधा और फिर उसने अपने तीर से उस पे निशाना मारा। उसके बाद फिर तीर उसके कमर पे जा लगी, तो सुअर शिकारी पे क्रोधित हो गया और भागता हुआ शिकारी के पास आया और अपने नोकीले दांत उसके में पेट में घोंप दिए। उसके बाद फिर धीरे करते करते तब तक सुअर भी मर गया। उसके बाद वहीं से फिर गीदड़ आया, तब उसने सोचा कि अब तो मैं 2 महीने तक इसे चलाऊंगा। तभी उसने देखा कि सुअर के पेट में एक तीर लगा हुआ है। तब उसने उस तीर को निकालने की कोशिश की, तो उसने तीर को निकाला, तब तक तीर घूम के उल्टा उसके पेट पे लग गया और वहीं पे वह मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा कंजूसी करने से परिणाम अच्छा नहीं होता।